Let us begin with the exercise B and the first law of Newton, that is Newton's first law of motion and inertia. बच्चे ये सारी explanation में क्या है कि first page में जैसे आपको examples discuss कर रहे हैं, for example जैसे ये book है, अब ये book rest में पड़ी है, जब तक मैं इसके ऊपर force नहीं लगाऊंगा तब तक ये body किस में रहेगी, rest में ही रहेगी. Is it clear? That is, if a body is at rest, it remains at rest unless a force is applied on it. अब जैसे आप क्रिकेट वाला एग्जाम्पल हम ले रहे थे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल ऊपर से आ रही है, जैसे बॉल ऊपर से आई मतलब आपने फोर्स लगाई है अपने पाम से, तब भी वो रेस्ट पे आई, तो इसका मतलब अगर कोई आप फोर्स नहीं लगाओगे तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी और वो इसी उसी स्पीड से मूव करती रहेगी उसी डायरेक्शन में. दैट इज इफ अ बॉडी इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो ये दोनों चीजों को अगर मैं टुगेदर पुट कर दूं तो इट बिकम्स माय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट विल रिमेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, जब तक मैं कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर देता. अब बच्चे अगर मैं इसकी क्वालिटेटिव डिस्कशन मतलब इसको अगर मैं अच्छे से डिटेल में स्टडी करूं तो इससे ना मुझे दो चीज़ें मिलती हैं फर्स्ट लॉ से, एक मिलता है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, दूसरा मिलता है मुझे फोर्स. अब बच्चे इनर्शिया क्या है उस चीज़ को समझो. बच्चे पहली बात तो पहले इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है, बच्चे ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये कोशिश करती है कि अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहे. वो प्रॉपर्टी जिससे कोई ऑब्जेक्ट इस चीज की कोशिश करता है दैट इज कॉल्ड योर इनर्शिया. ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही होती है ये प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बुक है एक टेबल के ऊपर पड़ी है, ये यहीं पर ही रहेगी जब तक मैं इसको यहां से डिस्प्लेस नहीं कर देता. सिमिलरली अगर कोई बॉल रोल कर रही है तो वो रोल करती ही रहेगी जब तक उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टॉप नहीं कर देती इसको, क्योंकि फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगी. एक और चीज बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमने आपने कहा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं कि अगर कोई चीज़ चलती है तो वो चलती जाएगी, तो बच्चे अगर कहते हैं कि हम साइकिल है लेकिन वो तो रुक जाता है थोड़ा टाइम चल के फिर वो स्टॉप कर जाता है, ऐसा क्यों होता है फिर? अब वैसे तो न्यूटन का लॉ फर्स्ट लॉ मोशन फिर फेल हो गया क्योंकि वो तो कहता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में रहेगी, क्योंकि बच्चे वहां पर फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट. कौन सी? एक तो फ्रिक्शन जो टायर और रोड के बीच में है, एक तो वो, दूसरा बच्चे एयर की फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है, एयर की रेजिस्टेंस लग रही है. ये दो फोर्सेस की वजह से वो साइकिल रुकती है और न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन कहते हैं जब तक फोर्स नहीं लगेगी तो वो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब फोर्स लग रही है इसीलिए वो साइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. रिमेंबर दैट, ठीक है बच्चे. अब सेकेंड है बच्चे डेफिनेशन ऑफ फोर्स. अब इससे हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी मिल रही है कैसे, अब वो हमें पता है कि बुक अगर टेबल पे पड़ी है तो वो जब तक आप उसको डिस्प्लेस नहीं करोगे वो वहां से नहीं जाएगी, पुश नहीं करोगे वो डिस्प्लेस नहीं होगी, ठीक है. तो इसका मतलब फोर्स हुआ क्या, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आप लगा रहे हो, विच टेंड्स टू चेंज, मतलब वो कोशिश करता है टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. जैसे बुक रेस्ट पे पड़ी है, आपने फोर्स लगाने से उसको डिस्प्लेस किया, तो अब ये क्या कर रहा है, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर रहा है, या स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या करता है बच्चे, वो चेंज करता है. इज इट क्लियर एवरीवन? देन इज फोर्स हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर हमने चैप्टर 2 में करा था, और द सम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज, अगर कोई इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेज उनका सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद है बच्चे और कहते हैं अगर कोई बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं तो फिर भी अगर देखा जाए तो नेट फोर्स जीरो हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो ये आपकी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है, ये एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है, ठीक है. और हम कैसे कह सकते हैं, हाँ चलो ठीक है, अब मान लो ये भी 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है. अब 2 न्यूटन अंदर को लग रही हैं, मान लो 4 न्यूटन हो गया, और ये ऑपोजिट लग रही हैं तो ऑपोजिट साइन लेंगे तो 2 to 4, तो 4 न्यूटन - 4 न्यूटन कितना आ गया, 0. मतलब चाहे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो तो भी उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है. नेक्स्ट इज योर टॉपिक, दैट इज मास एंड इनर्शिया. बच्चे अब मास और इनर्शिया का क्या रिलेशन है, रिमेंबर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली मतलब जिसका ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उसमें इनर्शिया होगी. फॉर एग्जाम्पल बच्चे एक बड़ा रॉक है, एक छोटा सा रॉक है,
तो अगर हम देखा जाए तो बड़े रॉक को हिलाना मुश्किल होगा, इसका मतलब वो पहले ही रेस्ट में है और उसकी रेस्ट में रहने की कैपेसिटी ज्यादा है। और यही तो हमारी इनर्शिया होती है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, अगर कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में रहने की कोशिश करता है। तो इससे एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई है कि जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। ये 2020 के 9th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन था आपका। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्रिकेट बॉल है, एक टेनिस बॉल है। आपको पता है क्रिकेट बॉल का मास क्या है? ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिमिलरली अब जैसे ट्रॉली होती है, इसको आप ट्रॉली बोल देते हो, तो एक लोडेड है एक अनलोडेड है, तो लोडेड है तो उसका मास ज्यादा होगा, तो इसका मतलब उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर वो रेस्ट में है तो उसको हिलाना मुश्किल होगा, अनलोडेड खाली ट्रॉली को हिलाना ईजी हो जाता है क्योंकि उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। अब हम इनर्शिया की काइंड स्टडी करेंगे और उसको फिर उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इनर्शिया यहाँ पर टू काइंड की, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन बहुत ईजी है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कोशिश करेगी रेस्ट में रहने की। ये जो चाहे मतलब अनलेस अंटिल अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो बाहर से, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको आप क्या बोलते हो? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अब इसके कुछ एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। पेपर में गिव रीजंस की फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। फर्स्ट इस बच्चे कहते हैं, अगर मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन का एग्जाम्पल लेना, चाहे आप अपनी स्कूल वैन का एग्जाम्पल ले सकते हो, चाहे आप अपनी कार का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी। मान लो पहले वो रेस्ट में थी, एकदम से वो ट्रेन चलने लगी, बस चलने लगी, कार चलने लगी, तो वो जो पैसेंजर जब पर्सन बैठा होगा उस गाड़ी में, तो वो पीछे को गिरता है एकदम से। जैसे गाड़ी आगे को चलती है वो पीछे को गिरता है, ऐसा क्यों रीजन होता है बच्चे? रिमेंबर, कहते हैं जो उसका पैसेंजर की बॉडी का लोअर पार्ट होता है वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में होता है? उस ट्रेन के साथ या उस गाड़ी के साथ जिसमें बैठा वो। तो जैसे बच्चे आपकी ट्रेन स्टार्ट मूव करनी लगती है तो आपका जो लोअर पार्ट कॉन्टैक्ट में था वो भी मूव कर जाता है, लेकिन आपका अपर पार्ट पहले भी रेस्ट में था, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया रेस्ट की मतलब है कि अगर वो रेस्ट में तो वो कोशिश करेगा रेस्ट में ही रहने की, तो वो जल्द एकदम से मोशन में नहीं आ पाता, आपका ऊपर वाला पोर्शन एकदम से मोशन में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो आगे चला जाता है ट्रेन चलने के साथ, गाड़ी चलने के साथ, लेकिन जो आपका अपर पार्ट है वो पीछे ही रह जाता है, जिसकी वजह से पैसेंजर कहाँ को गिरता है? पीछे को गिरता है। आई गेस इट इज क्लियर। फिर आपने देखा होगा, कहते हैं कोई कारपेट है, आप उसको स्टिक से बीट करते हो, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, क्यों होता बच्चे? अच्छा बच्चे एक चीज और, जब भी आपने ये रीजंस देनी है तो सबसे पहले मेंशन करना है दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है? फिर एक्सप्लेनेशन में भी एक्सप्लेन करना है सारा कुछ। उसके बाद बच्चे जैसे कारपेट को आप बीट करते हो उसमें डस्ट क्यों आता है? क्योंकि जब आप कारपेट को बच्चे स्टिक से बीट करते हो ना, तो कारपेट किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर डस्ट था वो अभी भी किस में रही? रेस्ट में रही। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो फिर रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। अब कारपेट मोशन में आ जाता है तो वो मूव कर जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल वहीं पर रह जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। फिर जैसे आप मान लो ट्री को, बच्चे ब्रांचेस है ना, आप उसको शेक करते हो, फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। आप गावा ट्री ले लो ना, आप जैसे गावा ट्री को शेक करते हो तो उसके आपका गावा नीचे गिर जाता है या आपके लीव्स नीचे गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरू में जो स्टेम या ब्रांचेस हैं जहाँ वो फ्रूट या लीव्स हैं वो सारे रेस्ट में होते हैं। जैसे आप ब्रांच को शेक करते हो तो ब्रांच किस में आ जाती है? मोशन में। लेकिन वो जो लीव्स थे या फ्रूट्स थे दे रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से वो ब्रांच आपकी मूव कर जाती है लेकिन आपका फ्रूट या लीव्स नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद है बच्चे आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑन स्ट्राइकिंग द कॉइन एट द बॉटम ऑफ। ओके बच्चे ये भी बहुत इजी है। मान लो आपने बहुत सारी अपने कैरम बोर्ड खेलते हो ना आप, जस्ट तो हमने बहुत सारी ऐसे कॉइन्स की ना ऐसे हीप बना ली आपने, तो आप क्या देखोगे कि जैसे ही आपने नीचे वाली को आप हिलाओगे ना, वो सारी खेलती नहीं है बच्चे, वो बस सिर्फ नीचे वाली मूव कर जाती है लेकिन बाकी सारी आके नीचे गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब आपने नीचे वाली को हिलाया तो वो सिर्फ मोशन में आ गई, लेकिन जो ऊपर वाली सारी कॉइन्स थे वो अभी भी किस में रहे? रेस्ट में रहे बच्चे। जब वो रेस्ट में रहेंगे तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से तो वो सारे वहीं पर आके नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? ये एग्जांपल, ये भी आपने बच्चे छोटी क्लासेस में सुना होगा कि जैसे एक आपने कॉइन ग्लास है,
ठीक है, फुल ऑफ वाटर है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखना है, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखना है। एकदम से आपने क्या करना है, इसको कार्डबोर्ड को एकदम से हिला देना है। यहाँ से जैसे आप हिलाओगे, आप देखोगे कॉइन आके सीधा इसके अंदर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड जब आप हिलाते हो, कार्ड ये मोशन में आ जाता है, लेकिन कॉइन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये किस में रहता है, रेस्ट में ही रहता है, जिसकी वजह से वो सीधा नीचे आके गिर जाता है। सेम वे बच्चे आपका कॉरिडोर ट्रेन वाला एग्जाम्पल है ये भैया। नाउ नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चा, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी जब तक आप बाहर से फोर्स नहीं लगा देते, दैट इज कॉल्ड योर इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसके भी एग्जांपल्स हैं बच्चे, कहते हैं अगर मान लो कोई लेवल रोड है और साइक्लिस्ट राइड कर रहा है, तो क्या होता है बच्चे, वो एकदम से रेस्ट भी नहीं आता। जैसे हमने मान लो पैडलिंग करनी बंद भी कर देते हो ना, तो भी वो साइकिल है कुछ डिस्टेंस कवर कर जाता। आपने देखा ना बच्चे ये चीज़, ऐसा क्यों होता है राजे? क्योंकि बाइसिकल में बच्चे पहले किस में होता है, मोशन में, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो कोशिश करेगा मोशन में ही रहने की, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस फिर भी कवर कर जाता है, चाहे आपका आप पैडलिंग करना बंद भी कर देते हो। इज इट क्लियर बच्चे? और वो कुछ टाइम के बाद क्यों रेस्ट पे आ जाता है, क्योंकि उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है टायर्स और रोड के बीच में। देन जब से आप मान लो आप जैसे वैन में से उतरते हो, आपको कहते हैं कि जैसे आप उसमें से जंप करते हो तो आप गिर सकते हो, ठीक है, इसीलिए कहते हैं हमें चलती गाड़ी से जंप नहीं करना चाहिए। जहाँ अगर आप मान लो जंप कर रहे हो तो कहते हैं साथ में थोड़ा सा भागना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी थी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वैन थी ना उस डायरेक्शन में थोड़ा सा भाग लो तो आप गिरोगे नहीं। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि क्या होता है कि जब आप गाड़ी चलती गाड़ी में हो ना, या ट्रेन में हो, आपकी पूरी बॉडी किस में है, मोशन में है, लेकिन जैसे ही आपने अपना पैर ग्राउंड पे रखा तो आपके फीट किस में आ गए, रेस्ट में आ गए, लेकिन आपकी अपर बॉडी अभी भी किस में रहेगी, मोशन में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, आपके पैर रेस्ट में आ जाते हैं लेकिन आपकी अपर बॉडी मोशन में रहती है, जिसकी वजह से आप आगे को गिरते हो। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि थोड़ा सा भागो, ताकि आपके क्या हो जाएगा बच्चे, आपकी पूरी बॉडी धीरे धीरे रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। सो ही शुड स्टार्ट रनिंग ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन फॉर सम डिस्टेंस। उसके बाद बच्चे व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली, अब ये था हमने पिछले केस में हमने कहा था कि जब आपकी गाड़ी चलती गाड़ी रुकी हुई गाड़ी चली है, अब क्या मान लो चलती हुई बस है या गाड़ी है या ट्रेन है, वो स्टॉप कर गई, तो आप आगे को गिरते हो। उसका रीजन क्या है बच्चे, कि अब देखो बच्चे, जब आपकी रनिंग कार थी या ट्रेन थी तब आपकी पूरी बॉडी किस में थी, मोशन में थी, लेकिन जैसे ही कार आपकी स्टॉप करी तो जिसका लोअर पार्ट है बॉडी का, जो गाड़ी के साथ कॉन्टैक्ट में है, वो एकदम से रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन हमारा अपर पोर्शन अभी भी किस में रहेगा, मोशन में रहेगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है बच्चे, आगे को गिरती है। इज इट क्लियर? लास्ट दूर रह गए हैं बच्चे, एक क्या कहते हैं, अब जैसे आपने देखा होगा लॉन्ग जंप लेते हैं तो एथलीट पीछे से भाग के आता है, स्टैंडिंग जंप नहीं करता। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि जब वो पीछे से भाग के आता है ना, तो उसकी पूरी बॉडी किस में आती है, मोशन में आती है। अब देखो बच्चे, उसने लॉन्ग जंप लेना है, मान लो जैसे यहाँ इस लाइन से उसने लॉन्ग जंप मारना है, तो जैसे ही उसने यहाँ पर पैर रखा तो उसका पैर रेस्ट में आ गया, लेकिन उसकी अपर बॉडी अभी भी कहाँ रहेगी, मोशन में रहेगी, ड्यू टू इनर्शिया मोशन, और वो कहाँ को जाएगा, आगे को जाके गिरेगा। इज इट क्लियर बच्चे, वाइट इज एडवाइजेबल टू रन बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप? और सिंपल सी बात है, कहते हैं जब आप बॉल को ऊपर को फेंकते हो चलती ट्रेन में, तो वो आपके हाथ में आके गिरती है। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी बॉल को आप ऊपर को फेंकते हो बच्चे, तो मोशन में आ जाती है, ठीक है, पर्सन भी साथ में मोशन में है, ट्रेन भी साथ में मोशन में है, तो वो भी उतना ही फॉरवर्ड मोशन कवर करती है जितना आप कवर करते हो, ठीक है। तो पर्सन इनसाइड एयर एंड द बॉल ऑल मूव अहेड बाय द सेम डिस्टेंस ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, जिसकी वजह से बॉल वापस आपके हाथों में ही आके गिरती है। आई गेस द सेकेंड एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू एवरी वन।